इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे हम रील्स वीडियो अपलोड करते हैं ना, आधे या एक घंटे के अंदर अंदर हमारी वीडियोस पर 1000 से 2000 व्यूज एकदम से आ जाते हैं, और वो बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज होते हैं। तो अपन को लगता है भाई अब तो हम फेमस हो गए, रियाज और भाई फैजू वगैरह सलमान शाहरुख से कंपेयर करने लगता है, भाई अब तो भाई हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं, ठीक है ना। और जैसे नेक्स्ट डे हम उस व्यूज को चेक करते हैं तो सारा भ्रम तोड़ देते हैं हमारा इंस्टाग्राम भाई, मतलब व्यूज एक भी नहीं बढ़ता, बिल्कुल स्टक हो जाते हैं व्यूज, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। अपन को लगता है कि भाई आईडी में कोई दिक्कत है या फिर भाई क्या लोचा हुआ है, मतलब आधे एक घंटे के अंदर अंदर भाई 1000 2000 व्यूज आ गए, और अगले दिन देख रहे हैं तो भाई हमारे दिमाग में रहता है भाई अब तो 10000 20000 क्रॉस कर गई होगी, देखा तो भाई 1000 2000 व्यूज ही रहते हैं। तो ये इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, मतलब मैंने इसके ऊपर ना लास्ट वीडियो जो बनाई थी, आपने उस वीडियो को भर भर के प्यार दिया था भाई, भर भर के प्यार दिया था, ठीक है ना। तो भाई पूरा फोकस रखेंगे इस वीडियो पे भी, आप बिल्कुल भर भर के प्यार दो। और एक चीज और, मैंने जो पहले वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने फोकस इस चीज पे रखा था कि ऐसा क्यों होता है, और यानी जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, इस चीज पे ये फोकस रखूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो पहले सोल्यूशन देख लेना, और या फिर भाई इस वीडियो के बाद पहले उस वीडियो को भी जाकर देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा क्यों होता है। उस वीडियो में मैंने आपको एक दो ट्रिक्स बताई सॉल्यूशन की, बट यहां पर भाई मेरे साथ खुद ही कांड हो गया, तो मैं कसम से बता रहा हूं भाई, मैंने रील्स वीडियो अपलोड करी थी, ठीक है, तो यहां पर भाई मेरे 2000 व्यूज भी नहीं पहुंचे, एकदम से स्टक हो गए, मुझे ऐसा लगा भाई मेरे साथ, भाई मेरी बुद्धि सनक गई, कसम से बता रहा हूं भाई, मतलब दूसरों को ज्ञान फैलता रहता, और भाई मेरे साथ ही ये चीज हो गई। तो भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, कल पूरी रात मैंने रिसर्च करने में लगा दी कि ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जितनी भी मुझे चीजें पता चले ना, वही चीज मैं अपनी वीडियो में अप्लाई करूंगा, और वही चीज आप अपनी वीडियो पे अप्लाई करना, ठीक है ना। ऐसी काफी वीडियोस हैं, आपको पता होगा कि ये वीडियोस ना मेरी यहाँ पर 5 या 10 हज़ार व्यूज पे बिल्कुल स्टक हो गई थी, और आज इन वीडियोस पे लाखों में व्यूज हैं। तो मैंने क्या सोल्यूशन निकाला था, और आज इस वीडियो पे भी मैं क्या सोल्यूशन निकालूंगा, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहना, थोड़ी लंबी होने वाली है, बट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको करने क्या है, ठीक है ना। और यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, आप लोगों को पता चलता रहेगा कि मैं क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई करता रहता हूँ अपनी वीडियोज पे, और जाहिर सी बात है अपनी वीडियोज पे अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो भाई वो बिल्कुल श्योरली, अगर मैं बिल्कुल कंफर्म हूं ना तभी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस देखो, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, डिटेल्स में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, बट इसमें भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितनी भी मैंने रिसर्च करी ना, उसके अकॉर्डिंग मुझको पता चला, काफी लोग ये सोचते हैं भाई इंस्टाग्राम की पर्सनली दुश्मनी है आपसे, ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम्स है ना, वो ये चीज करते हैं। अब देखो जितनी भी इंस्टाग्राम की आईडीज है ना, अकाउंट्स है, वो सारे अकाउंट्स वर्क करते हैं उसके एल्गोरिथम्स के अंदर, और उसके एल्गोरिथम्स का मोटिव क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। अगर आपने हफ्ते में 5 वीडियोस अपलोड करी, तो उस एल्गोरिथम्स के हिसाब से आपकी किन्नी 2 वीडियोस पर एकदम से रिसेंटली व्यूज भेजेगी, वो लाइक मतलब 2000 3000 या फिर 4000 भी भेज देगी, या फिर 1000 भेज देगी, या फिर 600 700 व्यूज भी भेज देगी, वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है वो कितने व्यूज भेज रहा है एल्गोरिथम्स, ठीक है ना। उसकी पर्सनली किसी दुश्मनी नहीं है, उसके लिए सब एक ही समान है, ठीक है। तो यहां पर भाई जैसे वो व्यूज भेजता है ना, उससे क्या होता है, वो पहले ये चेक करता है कि आपकी वीडियो में कितना दम है, मतलब पहले हम एंगेजमेंट खुद से भेज रहे हैं। मैंने कहा था ना कि भाई इंस्टाग्राम बूस्टअप कर रहा है, अब बूस्टअप वो यही करता है वो, ठीक है ना। इंस्टाग्राम क्या करता है, आपकी वीडियो पे 1000 से 2000 व्यूज भेज दिए, ठीक है ना। उसके जैसा पोस्ट करके आपने वीडियो अपलोड करी, एल्गोरिथम्स ने आपकी वीडियो पे 1000 2000 व्यूज भेज दिए, और वो वीडियो कर दी आपकी साइड में, ठीक है ना। आप वो वीडियो करते आपकी साइड में, वो सब पे व्यूज भेज जा रहा है। अब सपोज करो आपकी वीडियो को एक हफ्ता हो गया, ठीक है ना, या फिर भाई आपकी वीडियोस को 2 या 3 दिन हो गए। अब इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स आपकी वीडियो के पास दोबारा गए, ये चेक करने के लिए जितने हमने बंदे भेजे थे इसकी वीडियोस पर, उन लोगों ने कितना पसंद किया है इस वीडियो को, समझ पा रहे हो। लाइक इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स ने आपकी वीडियो पर 1000 व्यूज भेजे थे, अब वो जब 2 या 3 दिन बाद चेक करने जाएगा ना, तो वो ये चेक करने जाएगा कि भाई 1000 बंदों में से कितने बंदों को ये वीडियो पसंद आया, लाइक कितने बंदों ने इस वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया। तो ये होती है आपकी एंगेजमेंट, इसलिए मैं कहता हूं आपको एंगेजमेंट ना अपनी हाई करनी है, ठीक है ना। वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरा तरीका है कि इंस्टाग्राम देखता है वॉच टाइम, भाई सारा खेल वॉच टाइम का है, मतलब जो 1000 बंदे थे ना, उन्होंने आपका वीडियो कितनी देर तक वॉच करा वॉच टाइम पर। तो मैंने भाई आपको इतने सॉल्यूशन बता रखे हैं, लाइक अगर वॉच टाइम पे मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊं कि लाइक अगर मेरी वीडियो है भाई 5 मिनट की, आपकी वीडियो भी 5 मिनट की है, एक बंदा आया आपकी वीडियो देखी 2 मिनट की, मेरी वीडियो देखी 3 मिनट की, तो भाई एल्गोरिथम्स को लगेगा कि मेरी वीडियो में दम है। भाई जो बंदा आया था ना, आपकी वीडियो ज्यादा देर तक नहीं देखी, मेरी वीडियो ज्यादा देर तक देखी, इसलिए मेरी वीडियो में दम है। तो इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम्स है ना, वो मेरी वीडियो रैंक पर पहुंचा देंगे अकॉर्डिंग टू आपकी वीडियो से, ठीक है। तो ऐसे एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं। अब आप लोग बोलोगे भाई हम तो भाई दमदार कंटेंट अपलोड करते हैं यार, भाई मतलब सपोज करो, चलो ठीक है,
इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम से हमारी वीडियो पर 1000 व्यूज भेज दिए, ठीक है ना। तो भाई जितने भी बंदे आते हैं भाई, हम तो दमदार वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है भाई। आपकी नजरों में आपकी वीडियो दमदार है, बट भाई इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम की नजरों में आपकी वीडियो दमदार नहीं है। मतलब जो 1000 बंदे आए थे ना, आप यहीं से पता लगा सकते हो कि आपकी वीडियो वायरल होगी या फिर नहीं होगी। जो भाई आपको एकदम से व्यूज मिले थे ना, और भाई उन बंदों ने आपकी वीडियोज पर कितना एंगेजमेंट किया है, अगर भाई नॉर्मल सा एंगेजमेंट किया है तो आपकी वीडियो भाई नहीं चलने की। और अगर भाई आपकी वीडियो पर अच्छा खासा एंगेजमेंट किया है, तो मैं शर्त के तौर पर, दावे के तौर पर स्टैंप लगा के कह सकता हूं कि आपकी वीडियो पे व्यूज या फिर वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंस्टाग्राम का बाप नहीं रोक सकता, वो एल्गोरिथम से है भाई। इंस्टाग्राम को पता भी नहीं है कि आपकी वीडियोस पर कितने व्यूज आया और आपकी वीडियो कितनी रैंक होगी, वो एल्गोरिथम से है भाई। वो इंसान नहीं है कि इससे मेरी पर्सनल दुश्मनी, वो एल्गोरिथम से है, वो एक सॉफ्टवेयर है। इसलिए भाई कोशिश करो अपना कॉन्टेंट, तभी तो कहता है भाई हर कोई, तभी तो कहता है अपना कॉन्टेंट दमदार डालो भाई। अगर मान लो वो प्लेटफॉर्म आपकी वीडियोस पे अच्छी खासी एंगेजमेंट भेज रहा है, 1000-2000 बंदों के पास आपकी वीडियोस भेज रहा है, तो भाई कोशिश ऐसा करो कि उन 1000-2000 बंदों पे ना ऐसा अपना इंप्रेशन जमा दो कि भाई वो लाइक भी करें, आपकी वीडियोस पर कमेंट भी करें, और उस वीडियो को आपकी वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है ना। तभी कहते हैं अच्छा कंटेंट इसलिए ही वायरल होता है। अब आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है, ठीक है, आपकी सारी गलतफहमी हो गई दूर। अब आप बोलोगे ठीक है भाई यार ऐसा भी हुआ था कभी कभी, तो ऐसा भी होता है भाई, ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ जाता है, फिर दमदार कॉन्टेंट होता है, बट कभी कभी तो ऐसा हमें लगता है कि भाई सच में यार फ्रीज हो गए हैं ये व्यूज, ठीक है ना, ये व्यूज बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं। तो भाई देखो 40% मैंने आपके दिमाग में जो सारी थिंकिंग थी ना कि भाई हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, वो 40% लोगों की थिंकिंग मैंने दूर कर दिए, ठीक है ना। इसलिए कहता हूं भाई रिसर्च के तौर पर वीडियोस बनाया करो। मैंने बहुत रिसर्च करी और मुझको पता चला कि भाई हाँ ऐसा होता है। और देखो इसमें बुरा भी क्या है भाई, जाहिर सी बात है अगर आपके कंटेंट में दम होगा तभी तो भाई वायरल करेंगे। ये थोड़ी कि भाई आपने राह चलते वीडियो डाल दी और वो वायरल हो गई, भाई ऐसा नहीं होने का, ठीक है। तो यहां पर भाई अब आप बोलोगे ठीक है भाई, बट इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना, मतलब हमारी वीडियोस पर अगर रुक गए व्यूज तो इसका सोल्यूशन क्या है। वीडियो दमदार है बट फिर भी यहां पर वायरल नहीं हो रही, हमें लग रहा है कि भाई मतलब 1000-2000 नहीं, अभी और लोगों के पास भेजा है, और लोगों से टेस्ट करें, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूं। अब आपको करना क्या है, जब आप वीडियोस अपलोड करते हो ना, उसके बाद इंस्टाग्राम ने आपकी वीडियो पे ठीक ठाक रिस्पॉन्स भेज दिया, या फिर काफी बार ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स भेजती भी नहीं है, ठीक है ना, तो उस वीडियो को तो अभी साइड में रख दो। पहले मैं उन वीडियोस पे बात कर रहा हूं जो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं व्यूज, ठीक है। तो इंस्टाग्राम ने आपकी वीडियोस पर 2000 व्यूज भेज दिए, या फिर हम यहां पर एवरेज लगा रहे थे 1000 व्यूज, ठीक है ना। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम से आपकी वीडियोस पर 1000 व्यूज भेज दिए, उसके बाद आप 2 दिन बाद देख रहे हो आपकी वीडियोस पर केवल भाई 1100 या 1200 व्यूज है, ठीक है ना। 100-200 बंदे तो ऐसे ही आ गए होंगे, ठीक है। तो आपकी वीडियो नॉर्मल ऐसे चली जा रही है, एक हफ्ते तक वेट करो, एक हफ्ते का। मैं कह रहा हूं भाई इंस्टाग्राम जब आपकी वीडियो दोबारा चेक करने आते हैं ना, तो उसको थोड़ा टाइम दो, ठीक है ना, एक हफ्ते का वेट करो। एक हफ्ते में भी अगर आपकी वीडियोस पर भाई 2000 व्यूज क्रॉस नहीं करे, या फिर भाई ऐसी है 1500-1600 और मतलब 2000 है, 2500 है, मतलब आपकी वीडियो वायरल हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको देना है अपनी वीडियो को बूस्ट अप। मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, बट इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जो कि मुझे बहुत सही लगते हैं आपकी वीडियो को बूस्टअप देने के लिए। और एक चीज और, एक गलती बहुत लोग करते हैं भाई, बंद कर दो, सही बता रहा हूं, ताला मार लो उस गलती पे अपनी, कि भाई आपको करना क्या है, आपको क्या नहीं करना। मतलब जब आप वीडियोस अपलोड करते हो और भाई बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है ना, आप उस वीडियो को ओपन करते रहते हो, यार इस वीडियो पे तो मैंने यार ये गलती तो नहीं करी थी, भाई वीडियो देखिए यार कितनी बढ़िया है, आपका यार दोस्त आया, यार देखिए भाई ये वीडियो बनाई थी, यार देखियो एकदम से 1000 व्यूज आ गए, उसके बाद व्यूज ही नहीं आ रहे। अब व्यूज कैसे आएंगे अपनी वीडियो को, तो तुम बार बार ओपन करे जा रहे हो। तो भाई यही चीज है, अपनी वीडियो को ओपन मत करो, भूल जाओ कि आपने कोई वीडियो अपलोड करी थी जिंदगी में, कसम से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपसे आपको मैं 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी वीडियो को अच्छा बूस्टअप दे सकते हो, ठीक है ना। कहते हैं ना कि भाई जब थोड़ा मतलब पूरा नहीं पड़ता ना, तो थोड़ा बूस्टअप देना पड़ता है, तो वही चीज आपको करनी है आपसे अपनी वीडियोस के अंदर, मतलब पिलानी विलानी नहीं है अपनी वीडियोस को, ठीक है। बूस्टअप कैसे देना है, सबसे बेहतरीन तरीका मुझे ये लगता है कि अपना जो लिंक है ना, आप अपने बायो में डालो एक हफ्ते बाद, ठीक है ना। अब आप बोलोगे भाई लिंक डालने के लिए तो वीडियो ओपन करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी भाई, दो से लिंक नहीं ले सकते, दूसरा बंदा आपकी वीडियोस को अपलोड कर सकता है, बट आप अपने अकाउंट से अपलोड मत करो, अपने दो से लिंक ले लो, उसके बाद अपने इंस्टाग्राम बायो में डाल दो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जब भी कोई नया यूजर आपके बायो में आएगा ना, मतलब आपके अकाउंट पर आएगा, तो उसकी सबसे पहली नजर पड़ती है आपके बायो में, जब उसको वो ओपन करेगा ना, आपकी रील्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। उससे क्या होगा भाई, इंस्टाग्राम को लगेगा कि हाँ भाई यार बंदे और एंगेजमेंट अब दिखा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने तो केवल 1000 व्यूज भेजे, यहां पर बंदे क्या कर रहे हैं, आरएस की वीडियोस पर अच्छा खासा एंगेजमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, इंस्टाग्राम मैंने कहते ना, इंस्टाग्राम देखता है कितने एंगेजमेंट आ रही है, आपकी वीडियो पर अच्छी खासी एंगेजमेंट आएगी तो इंस्टाग्राम उसको खुद ही वायरल करेगा फिर, ठीक है ना। एंगेजमेंट करने के लिए 3 बूस्टअप बताए थे, एक पहला तरीका तो यह है, और दूसरा तरीका है कि आप अपने रील्स को अच्छे अच्छे ग्रुप में अपलोड करो जिसमें बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं। लाइक आप फेसबुक पर चले जाओ, मैंने कितनी ज्यादा आपको बता रखा है,
फेसबुक पे कितने ग्रुप से यहाँ पर सर्च मार लो भाई, मैंने लास्ट वीडियो भी डाली थी भाई, मैंने डाली थी तो जाहिर सी बात है मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियोस को यहाँ पर लिंक डाल सकते हो और ऊपर कुछ भी लिख सकते हो कि प्लीज जाओ चेक करो, बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, बहुत अच्छी वीडियोज है। तो भाई यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए ही है, तो अगर आपको आपकी रील्स उनको पसंद आती है ना तो वो लिंक को ओपन करके आपके अकाउंट पर जाएंगे, आपकी रील्स पर जाएंगे और इंस्टाग्राम को क्या लगेगा, एंगेजमेंट आ रही है, ठीक है। तो तीसरा तरीका है अपना कि आप अपनी वीडियो दूसरे बंदों से यहाँ पर शेयर करवाओ, मतलब लाइक अगर आपने वीडियो अपनी अपलोड करी है तो आप 3 से 4 या 5 दोस्त अपने सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने 5 दोस्त अपने सेलेक्ट कर लिए और उन 5 दोस्त से बोल रहा हूं कि भाई मेरी वीडियो को ओपन कर, अब क्या कर, उस वीडियो पे पहले कमेंट कर, उसको लाइक कर, उसको शेयर कर, उसको 3 या 4 बार वॉच कर, उसके बाद उसको ऐड टू स्टोरी कर दे। अब वो कहेगा कि भाई नहीं ऐड टू स्टोरी नहीं करने का, स्टोरी अच्छा खासा मतलब स्टोरी इतनी सारे से लोग डालते नहीं है, तो भाई स्टोरी आपको डालनी है। जैसे आप स्टोरी ऐड टू स्टोरी वाले बटन पे क्लिक करोगे ना तो इंस्टाग्राम की नजरों में आपकी जो रील्स है ना वो ऐड टू स्टोरी लग चुकी है, ठीक है ना। तो 5 बंदे जब एक साथ करेंगे क्या आई, एंगेजमेंट आई, ठीक है ना। तो मैंने आपको इतना ज्यादा बूस्टअप दे दिया है, मतलब इतना ज्यादा बूस्टअप के तरीके दे दिया है, जब आपके रील्स के व्यूज रुक जाते हैं, ठीक है ना, इंस्टाग्राम जा रही है चेक करने, आपकी वीडियो चेक करने जा रही है, उसे दिखता है कि हाँ भाई यार एकदम से तगड़ी एंगेजमेंट आई है, वीडियो में दम है, क्या करेगी वीडियो वायरल, भाई देख भी नहीं पाओगे वीडियो कहां चली गई, देख भी नहीं पाओगे। तो भाई इतना तगड़ा एक्सप्लेन और इतना तगड़ा सॉल्यूशन कसम से बताओ कहीं मिला है भाई। इसलिए ही मैं कहता हूं मैं वीडियो थोड़ी लेट बनाता हूं बट पूरी रिसर्च के साथ बनाता हूं भाई, पूरी रिसर्च के साथ। आप यकीन नहीं मानोगे मैं इंस्टाग्राम के पेज पर ही पहुंच जाता हूं भाई, यहां पर क्रोम पर पता नहीं कहां का यहां पर आर्टिकल्स वगैरह रिसर्च करता हूं, बहुत ही ज्यादा तगड़ा रिसर्च करता हूं, उसके बाद ही आपके लिए वीडियो लाता हूं। तो ऐसी अगर रिसर्चेबल आपको वीडियोस और देखनी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई काफी लोग मुझसे कह रहे हैं भाई फॉलो अनफॉलो वाला पार्ट 2 आएगा, मतलब लाइक आपने अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो अनफॉलो बहुत ज्यादा गलतियां करी है तो इस वजह से आपकी रील्स वायरल नहीं हो रही, तो आप क्या करें आप, ठीक है ना। तो इसका पार्ट 2 आएगा, तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझको बताओ, रिसर्च चल रही है भाई, बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है, तो कौन कौन वेट कर रहा है फॉलो अन फॉलो वाला पार्ट 2 का, प्लीज कमेंट में बताओ, मुझे और थोड़ा मोटिवेट लगूंगा, मतलब मुझे थोड़ी मोटिवेट लगेगी और भाई मैं और तगड़ी रिसर्च करके लाऊंगा आपके लिए वीडियो, ठीक है ना। तो बस यार आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, इसी के साथ हमें रहे प्यार के और फिर मिलेंगे चलते चलते।